चांदनी चौक से बीजेपी के प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, उम्मीद थी आपको? हर कार्यकर्ता को उम्मीद होती है, मुझे भी उम्मीद थी, लेकिन इस छोटे से कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व ने जो बड़ी जिम्मेदारी दी है, हम सब कार्यकर्ता मिलकर के उस जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभाएंगे और चांदनी चौक की सीट हम रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं। क्या क्या चुनौतियाँ रहने वाली हैं? चुनौती कोई नहीं है, प्रधानमंत्री जी का सक्षम नेतृत्व है और वो नेतृत्व ही हमारे लिए काम करेगा। 10 साल में जो प्रधानमंत्री जी ने काम किए हैं, उस हर काम को हम एक एक मतदाता तक लेकर के जाएंगे और निश्चित रूप से हम चुनाव में विजयी होने जा रहे हैं। दिल्ली की 700 सीटें जीतेंगे, देश में हमारी सरकार। आपको जिस सीट से टिकट मिला है वहां पर मुसलमानों की संख्या, देखिए आप किसी को वर्गों में मत बांटें, वो सब लोग वहां के रहने वाले लोग हैं और सब लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने जब भी काम किया वर्ग भेद कभी नहीं किया, तो ये हम क्यों किसी को बांटें? और उनका पूरा समर्थन हमको मिलेगा, सभी वर्गों का पूरा समर्थन मिलने वाला है, आने वाले दिन इस बात की गवाही देंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में लड़ रहे हैं। ये बेमेल गठबंधन है, ये गठबंधन का कोई अर्थ नहीं है, ये नापाक गठजोड़ है। पहले एक दूसरे को कोसो, बाद में हाथ मिला लो अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए, तो वो दिल्ली की जनता समझ चुकी है। इस फरेब जाल में अब दिल्ली की जनता फंसने वाली है। हर्षवर्धन वहीं से सांसद, वो हमारे मार्गदर्शक है और हमारे वरिष्ठ है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और नेतृत्व जो भी निर्णय करता है, हम सब कार्यकर्ता मिलकर के उनका सम्मान करते हैं। इस चुनाव में भी भाजपा डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा जाएगा और हम विजयी होंगे। चलिए, ये प्रवीण खंडेलवाल जी, इन्होंने चांदनी चौक से जिनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है और पहली बार इनके चेहरे पर बीजेपी ने दांव खेलना है। अब आने वाले दिनों में चुनावी परिणाम क्या होंगे, किस एजेंडे को लेकर ये जनता के बीच जाएंगे, लेकिन फिलहाल इन्होंने सुनिश्चित किया है कि चांदनी चौक ही नहीं बल्कि दिल्ली के 7 सीट पर भाजपा का फिर से कब्जा होने वाला है।